दोस्तों बीते शुक्रवार यानी कि 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज, जिसको आज सिनेमाघरों में पांचवा दिन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसको आज सिनेमाघरों में 34वां दिन चल रहा है। ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी भी खूब तहलका मचा रही है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में मिशन रानीगंज अपने पहले 4 दिनों में यानी कि मंडे तक टोटल इंडिया के अंदर कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 5वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। और वही दूसरी तरफ बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने पहले 33 दिनों में यानी कि मंडे तक टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 34वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मिशन रानीगंज की, जो कि टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था पूजा एंटरटेनमेंट यानी कि वासु भगनानी, दीपशिका देशमुख और जैकी भगनानी ने। फिल्म में हमें अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा नजर आए थे और फिल्म को पूरे इंडिया के अंदर लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म का जो ऑफिशियली बजट है वो लगभग 60 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से परफॉर्म किया है वो काबिले तारीफ नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार की ये फिल्म लोगों ने पसंद तो की, इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन पब्लिक इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में बिल्कुल भी नहीं गई और फिल्म ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है वो वाकई निराशजनक है। आपको बताता चलूं मैं कि मिशन रानीगंज ने अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 2,80,00,000 रुपए की ओपनिंग की थी। जहां दोस्तों 2,80,00,000 रुपए, अपने दूसरे दिन फिल्म ने सैटरडे को कमाए थे 4,80,00,000 रुपए और तीसरे दिन यानी कि संडे को फिल्म का कलेक्शन रहा था 5 करोड़ रुपए। तो अपने पहले 3 दिनों में फिल्म मिशन रानीगंज 12,60,00,000 रुपए इंडिया से नेट कमाने में कामयाब रही थी। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज से फिल्म ने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 3 दिनों में ये फिल्म 16 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही थी। चौथे दिन यानी कि मंडे को फिल्म का कलेक्शन रहा 1,20,00,000 रुपए का और आज 5वें दिन ये फिल्म कमा रही है लगभग 1 करोड़ रुपए। तो फिल्म का जो 5 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 14,80,00,000 रुपए इंडिया से नेट हो चुका है। वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 19 करोड़ रुपए कर चुकी है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर हो चुकी है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं जवान फिल्म की, तो जवान फिल्म की मैं जितनी तारीफें करूं कम है, क्योंकि शाहरुख खान ने यह दिखा दिया है कि बॉलीवुड का किंग अगर कोई है, बॉलीवुड का बादशाह अगर कोई है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा अगर कोई सुपरस्टार है तो वो शाहरुख खान है। जहां दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बॉक्स ऑफिस पर वो करके दिखाया है जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया है बॉलीवुड की तरफ से, अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना के दिखाया है तो वो शाहरुख खान की फिल्म जवान ने बनाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एटली के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसका बजट 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। फिल्म में हमें शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति, नयनतारा और दीपिका पाडुकोण अहम किरदार में नजर आए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्क्रीन काउंट की तो पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म को 10,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, क्योंकि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनकी फिल्मों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए शाहरुख खान की फिल्मों को स्क्रीनें चाहे इंडिया हो चाहे विदेश हर जगह से भरपूर स्क्रीनें मिलती है। तो फिल्म का जो पहले दिन का इंडिया के अंदर नेट कलेक्शन था वो 74,50,00,000 रुपए नेट था, तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में। वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में लगभग 129,60,00,000 रुपए की कमाई की थी अपने पहले दिन। उसके बाद बात करूंगा मैं फिल्म के पूरे 32 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 32वें दिन फिल्म का जो कलेक्शन रहा था अपने चौथे संडे को वो रहा था लगभग 2,96,00,000 रुपए। तो फिल्म की जो 32 दिनों की टोटल कमाई थी वो 624 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो चुकी थी। जहां दोस्तों यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, 32 दिनों में 624 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में फिल्म जवान ने कर लिए थे।
तमिल से फिल्म का कलेक्शन हो चुका था 30 करोड़ रुपए, तेलुगु से फिल्म ने कमा लिए थे 28 करोड़ रुपए और हिंदी भाषा में फिल्म का जो कलेक्शन है वो 567 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों 567 सिर्फ हिंदी भाषा में अपने पहले 32 दिनों में फिल्म जवान ने कमा लिए थे। तो फिल्म का जो इंडिया के अंदर नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 32 दिनों का वो 624 करोड़ रुपए था, वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 741 करोड़ रुपए हो चुका था, ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 376 करोड़ रुपए और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में अपने पहले 32 दिनों में ये फिल्म 1117 करोड़ रुपए कर चुकी थी। 33वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1,50,00,000 रुपए और आज 34वें दिन ये फिल्म लगभग 1 करोड़ रुपए कमा रही है और फिल्म का 34 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 626 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा। वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में 1121 करोड़ रुपए कर रही है जो कि काबिले तारीफ है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जवान या फिर मिशन रानीगंज, इन दोनों में सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी है कमेंट में जरूर बताइएगा।